हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर इजी सुपर टेस्टी आलू बीन्स की सब्जी। इसे आप रोटी राइस के साथ खा सकते हैं या फिर टिफ़िन में ले जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बीन्स। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम बीन्स लिए थे और इस तरीके से मैंने काट लिया है, अंदर से थोड़े से बीज निकाल लिए ताकि सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लगे। और एक बड़ी साइज की प्याज काट ली है, 10 से 12 कली लहसुन, लहसुन को भी मैंने बारीक काट लिया है, और 3 हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरीके से बीच में से काट के रखा है। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के आलू, जिसे भी मैंने इस तरीके से बीन्स के साइज में काटा है और पानी में रखा है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, काला ना पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीन्स को हम बॉईल करके बनाएंगे। तो एक भगोनी ले लें, आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं इसे। इसमें हम डालेंगे बीन्स। अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते ऐसे भी बना सकते हैं, तब भी ये आराम से पक जाएगी आलू के साथ तेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बॉईल करी हुई नहीं पसंद है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये डूब जाए। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रखना है। गैस ऑन करेंगे और इसको हम साइड वाली गैस पे रख देते हैं ताकि ये जब तक ये बने तब तक हमारे आलू भी पक के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने साइड वाली गैस पे बीन्स को रख दिया है और तब तक हम इसमें आलू पका लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल ले रही हूँ तो अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए, ताकि जो कच्चापन है, कड़वापन है वो निकल जाए। तो यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं उड़ गया है, थोड़ा सा वापस ठंडा करेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा और लहसुन जो हमने काट के रखा था। साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। और थोड़ी देर इनको हम भून लेते हैं तेल में अच्छे से। साथ ही डालेंगे इसमें हम प्याज। प्याज को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्याज हमारी अच्छे से पक गई है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी है। और अब हम इसमें डालेंगे हींग। आप डालना चाहे तो ठीक है, वरना ऐसे भी जल जाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार प्याज के साथ, तेल के साथ। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। तो आलू को मैंने 2 से 3 बार धो लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम ऐसे इसको तेल में पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और आलू अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैंने आलू को पकाते हुए कम से कम 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे ढक देते हैं, हम कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो यहाँ 3 मिनट हो गए हैं आलू को पकते हुए, पूरे यहाँ 5 मिनट में आलू पक के तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं आप, ये आराम से टूट रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बीन्स रखी थी हमने वो भी अच्छे से पक गई, 5 से 6 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। तो इस तरीके से जब हम सब्जी बनाते हैं तो ये बीन्स बहुत जल्दी से पक जाती है और सब्जी हमारी बहुत अच्छे से जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो सारे बीन्स इसमें हम डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे आलू भी पक गए हैं और बीन्स भी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे मसाले। आप टमाटर डालना चाहे तो ठीक है, वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर।
नमक नहीं डालेंगे हम, बाद में डालेंगे क्योंकि ये आलू भी पक गए हैं और बीन्स भी। बीन्स में तो हमने पहले भी डाला था, तो नमक थोड़ा सा डालेंगे लेकिन बाद में, नहीं तो ये आलू ज़्यादा पक जाएंगे और ये टूटने लग जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे वापस से ढक देते हैं। तो यहाँ सब्जी को पकते हुए करीब 1 मिनट हो गई है और इसे हम खोलेंगे और नमक डालेंगे। और ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से नमक को मिक्स करेंगे। तो नमक ध्यान से डालें, हमने पहले भी बीन्स में भी डाला था। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और ढक देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और टमाटर भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ करीब 1 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो गई है। टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और जो पानी था वो भी बिल्कुल सूख गया है। पानी तो नहीं था लेकिन बीन्स में थोड़ा सा बच गया हो तब भी। तो अब हम डालेंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को करेंगे बंद। तो यहाँ हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर इजी, सुपर टेस्टी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी राइस या फिर पराठे के साथ खाएं या फिर आप इसे टिफ़िन में ले जाएं, एकदम परफेक्ट रहती है। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी रेसिपी मिलती